ये देखिए कितने बढ़िया एक एक पोहा होकर के बना है मेरा, बहुत ही बढ़िया। अगर आप सारी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके भी पोहे ऐसे ही बनेंगे। आप देखिए मेरे पूरे वीडियो को, हमने साथ में चाय भी बनाई है, और एंजॉय करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूबी किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज बना रही हूँ मैं पोहे, जिसके लिए मैंने ये एक कटोरी पोहे लिए हुए थे, जिन्हें मैंने 2 से 3 बार धो के इसका पानी निकाल के रख दिया है। केवल मैंने धोया है इन्हें, इन्हें पानी में डिप करके नहीं रखा है, नहीं तो ये बिल्कुल लिप लिपे से हो जाते हैं। इसलिए मैंने इन्हें केवल धो के रखा है। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लिए हैं मैंने मूँगफली, 2 छोटे साइज के टमाटर हैं, 2 छोटे साइज की ही प्याज हैं, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्ची हैं। अब चलिए हम इन सब्जियों को काट लेते हैं। मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची को काट लिया है, अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया है। अब हम ये जो पोहे हैं इनमें हम अभी नमक मिला देंगे, वरना मसालों के साथ इसमें नमक अच्छे से मिल नहीं पाता है, और कहीं कहीं नमक ज़्यादा कहीं नमक कम हो जाता है। अभी हम इसमें नमक मिला देते हैं। आप देखिए, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। मैंने नमक ले लिया है और सारे में ऐसे इस तरीके से मिला देंगे। और भिगो के रखने का मतलब ये है कि एकदम फरफरे हमारे एक एक पोहा होके बनता है, बहुत ही बढ़िया पोहा बन कर के तैयार होंगे। इसे कई जगह चिड़वा चूरा भी बोलते हैं। ये मैंने अच्छे से इसमें पूरे में नमक मिला दिया है, इसे सारे में बैलेंस सही बना रहेगा। अब चलिए पोहा बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने गैस पर चढ़ाई है कढ़ाई, इसमें अब डाल देते हैं हम तेल। तेल हमने डाल दिया है, अब इसे हम गर्म होने देंगे। ये तेल मेरा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली के दाने। पहले हम इन्हें ही भून लेते हैं। ये मूंगफली हमारी भून गई है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मूंगफली हमने निकाल ली है, अब हम उसी तेल में ये थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, थोड़ा पीली सरसों है, थोड़ा जीरा है, इन सारी चीजें डाल देंगे। पहले भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज और हरी मिर्ची। इन्हें हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं। प्याज मेरी हल्की भुन गई है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये आधा ही चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और नमक मुझे यहाँ पर डालना नहीं है, तो बस मैं इन्हीं मसालों को इसमें भून लेती हूँ। और डाल देती हूँ टमाटर, और इन्हें भी सॉफ्ट होने तक भून लेती हूँ। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये अदरक और लहसुन को, और इसे भी मैं इसमें भून लेती हूँ। ये ज़्यादा जलेगा नहीं और इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी, इसलिए मैंने यहाँ अभी डाला है इसमें। इसलिए मैं थोड़ा सा देर और भून लेती हूँ, फिर हमारे मसाले भून करके तैयार हो जाएंगे। टमाटर भी मेरे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं डाल देती हूँ इसमें पोहे। देख सकते हो आप, एक एक पोहा है मेरा। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका एक भी पोहा किसी में नहीं चिपकेगा, और बहुत ही बढ़िया एक एक पोहा होकर के बनेगा आपका। अब आप इन्हें मिला दीजिए अच्छे से, सारे मसाले सही तरीके से पोहों में मिल जाए, इसके लिए हम इसे 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। ज़्यादा देर हमें ढकना भी नहीं है, केवल 2 मिनट हमें इसे ढकना है।
2 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं हम मूंगफली जो हमने भून के रखी थी, और साथ में ही डाल देते हैं हरा धनिया। अब मिला दीजिए और आप एक कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे पोहे कैसे लगे आपको। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। आप ये देखिए कितने बढ़िया लाजवाब पोहे बन करके तैयार हुए हैं मेरे। अगर आपको मेरे ये पोहे की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्री सब्सक्राइब होता है, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि हमारे पोहे कैसे बने हैं। और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाय के साथ इंजॉय करिए।